अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा ने विधानसभा चुनाव में टिकटों की अनदेखी करने पर राजनीतिक पार्टियों के बहिष्कार की चेतावनी दी है। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि 3 सितंबर को जयपुर में महाकुंभ कर समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग उठाते हुए विधानसभा चुनाव में जांगीर सुधार समाज को टिकट नहीं देने वाली पार्टियों के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने कहा कि राजस्थान जांगीर सुधार समाज की 3.5 से 4% आबादी है, ऐसे में राजस्थान में 10 सीटों पर जांगीर सुधार समाज को टिकट मिलना चाहिए। बीजेपी की पहली सूची में समाज को जगह नहीं मिली। आज जो जांगीर समाज की जो अनदेखी की गई है, जिसका परिणाम दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ेगा, हम इसका आगाज 3 सितंबर को कर चुके हैं, जब हमने सिर्फ और सिर्फ विश्वकर्मा महाकुंभ में एक ही मुद्दे पे हमने बात की कि हमारे जो राजनीति से संबंधित हमारे रिजर्व कैंडिडेट है उनको उचित स्थान दिया जाए। जैसा कि अभी मंत्री जी ने बताया कि हमारी 2 सीटें जो बिल्कुल रिजर्व कैंडिडेट थे, डूंगरगढ़ से श्री रामकृपाल जी सुतार साहब, पार्टियों के द्वारा अब लगातार विधायकों के टिकट वितरण का कार्य चालू कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति के अंदर अभी जो पहली लिस्ट निकली है भारतीय जनता पार्टी की, उस लिस्ट के अंदर जांगीर सुधार समाज के लोगों को अनदेखा किया गया, जो कि वास्तव में पैनल में थे। पैनल में होने के बावजूद भी उनका नाम किसी कारणवश हटा दिया गया है। तो आज हम ये संदेश लेकर के आए हैं कि अभी बाकी टिकटों का भी बंटवारा होने वाला है, तो ऐसे में जो सक्षम लोग जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या अन्य पार्टियों जांगीर सुतार समाज के हैं, जो अपना वर्चस्व रख रहे हैं, इन पार्टियों के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर चुके हैं, आए दिन इन पार्टियों के लिए कार्य कर रहे हैं, पैनलों में भी इनका नाम आ चुका है, तो इन्हें एक अवसर जरूर दें। यदि इस बार केवल और केवल बाहुबलियों के कारण से जांगीर सुतार समाज के कार्यकर्ताओं का बहिष्कृत किया गया इनको या इनको तिरस्कृत किया गया, तो इस बारी समाज ने ये निश्चय कर लिया है कि समाज उन्हीं पार्टियों का साथ देगा जो पार्टियां जांगीर सुतार समाज के लिए कार्य कर और इनके कार्यकर्ताओं को भी शुभ अवसर प्रदान करेगी। ये हमने प्रण ले लिया है, निश्चय कर लिया है, और इसी के लिए हमने 3 सितंबर 2023 को एक विशाल महाकुंभ आयोजित कर करके उसमें भी निर्णय कर करके दोनों तीनों चारों पार्टियों को ये बता दिया गया था कि इस बारी जांगीर सुतार समाज केवल उन्हीं के साथ रहेगा जो पार्टियां जांगीर सुतार समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हुई और उनके विकास में योगदान कर।